लंबे टाइम से आप तहसील को ताला लगा के वहां बैठे हो, सरकार क्यों नहीं सुनती, क्या कारण है? नहीं, ये कारण तो सरकार जाने, हम तो अपने हक के लिए बैठे हैं भाई। जब पूरा हरियाणा के को मुआवजा दिया जा रहा, सबको पता था 2021 में नरमा हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं पर भी बीजी वो ही नहीं किसी के भी। जब सब किसी के भी नहीं हुई तो किसी को दे दो किसी को छोड़ दो, या कहाँ का न्याय है? सबको दिया जाना चाहिए। अब हमारे खेड़ी का विशेष बात कर लो आप, खेड़ी के चारों तरफ बरवाड़ा तहसील में मिल रही है, नारनूंद में मिल रही है, उचाणा में मिल रही है, उकलाणा में मिल रही है। खेड़ी तहसील पाकिस्तान में है क्या? उसी तरह ना बाड़समंद की सभी तहसील के चारों तरफ है, बाड़समंद में नहीं है, वो पाकिस्तान में है क्या? तो ये लोग पीक एंड चूज कर रहे हैं, पता नहीं किस नजरिए से देख रहे हैं, तो सरकार जाने, मगर बहुत बड़ा अन्याय किसानों के साथ ये लोग कर रहे हैं। और 35 दिन से लगभग 5,000 महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग अपने हकों के लिए तहसील में बैठे हैं, मगर आज तक इनका कानों में जूं जूं नहीं रोएंगी रही। बहुत ही निर्दयी लोग। नारनूंद में आपने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था किसानों, जिसमें 10,000 के आसपास किसान शामिल थे। दुष्यंत चौटाला ने अपनी रैली रद्द करनी पड़ी उस दिन, सरकार से भी कोई शायद आपकी वार्ता हुई थी, तो सरकार क्या कह रही थी? नहीं, सरकार से हमारी कोई बात नहीं हुई। हाँ, चलो आपका अंदाज़ा 10 का होगा, हमारा अंदाज़ा 15 का था। 15,000 किसान थे, वो तो डिप्टी मुख्यमंत्री नहीं आया, वरना हम 40,000 भी होते। उसने रैली रद्द कर दी तो हमने अचानक दूर के लोगों को कह दिया ना हो भाई, वरना हम 40,000 भी होते। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये लोग 45 डिग्री टेम्परेचर में मामूली से पर्दे के नीचे बैठने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं, और भाषण दे रहे हैं कि हम प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम जनतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले लोग हैं। सच्चाई में इनसे निर्दयी सरकार आज तक आजाद भारत में हमने तो देखी नहीं अपनी जिंदगी में। बाकी भाग गए परमात्मा जाना, गई तो माड़े आ जाएंगे। सर, एक प्रॉब्लम और आ रही है, मुआवजे के लिए जिसका एक तो कंपनी से कोई वो है, उसने ईएमआई भरी है कंपनी की, उसका मुआवजा मिलेगा या सरकार का मुआवजा मिलेगा, ये क्या है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा? देखिए, मैं बात बता दूं, जहां सरकार बीमा वगैरह नहीं मिलता, चाहे उस जमीन में बीमा कर रखा हो ना कर रखा हो, स्पेशल गिरदौरी अगर होती है तो उसमें प्राकृतिक आपदा रात को उसे सरकार देती है। वहां पर एक अधिकारी ने सारे के सारे बीमा कटा था, उनको भी क्रॉप कटिंग खराब कर दी, जबकि पता है कि नरमा नहीं हुई, तो इसकी जिम्मेवार सरकार है। सभी के हमारी जो मांग है वो, चाहे किसी ने बीमा करवा रखा हो ना करवा रखा हो, प्राकृतिक आपदा रात को से सरकार सबको मुआवजा दे, हमारी ये मांग है। डीसी महोदय से उस दिन आपकी बातचीत हुई, ये भी आप आमने सामने एडीसी से बात कर रहे थे, तो डीसी महोदय वादा खिलाफी की है या क्या है आज का आगे का आंदोलन, और उसको थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, वादा खिलाफी तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिस दिन उन्होंने वो बात कही थी एडीसी, आज भी वही बातें दोहरा रहा था। वादा खिलाफी वो होती है कि तो वादा करके मुकर जाना। डीसी मैडम ने भी उस दिन कहा था हाँ किसानों को नुकसान हुआ था, हमने रिपोर्ट बना के दे दी। एडीसी भी यही कह रहा था कि हाँ किसानों को नुकसान हुआ है, हमने रिपोर्ट बना के ऊपर दे दी। इसमें वादा खिलाफी वाले जो कहीं बात नहीं, हाँ हमने रिपोर्ट जरूर मांगी है कि उसमें सच्चाई क्या, हमें बताइए। एक इसमें आपका ये था कि कानूनों को बदला जाए, तो सरकार नहीं बदल रही है? नहीं, हमने तो बदलने की बात नहीं की, हमने तो कहा उसने हमारी गिरदौरी खराब करवाई है, उसको दोषी मानते हुए सजा दे, उस पे केस दर्ज हो, टर्मिनेट किया जाए। वो नहीं, नहीं ना टर्मिनेट की ना उसके, हमने कहा उस पर इंक्वायरी करवाओ, अगर वो दोषी है तो उसको सजा दो, क्योंकि उसने सभी पटवारियों को कहा है कि ऊपर का आदेश है, या फिर सारे के सारे ऊपर का आदेश में डीसी आवे है कि एसडीएम आवे है या सरकार आवे है, वो तो कानून को जाने, मगर सच्चाई है कि उसने नुकसान नहीं दिखाने दिया। कटाई का सीजन है और किसान फसल के ताड़ा लगाए बैठे, ये आंदोलन कब तक चलेगा सर? कटाई का सीजन में भी हम बैठे थे, आज निपटने को है, आज भी हम बैठे हैं, और जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक बैठेंगे सरकार जाने। फाइनल आपका मतलब लास्ट कोई संदेश देना चाहो हमारे चैनल के माध्यम से, सरकार को कोई संदेश देना चाहो कि जो हठधर्मिता की हुई सरकार? सरकार से मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि आंदोलन किसी भी राजनीतिक पार्टी से या विचारधारा से प्रेरित नहीं है। मेरी सरकार में बैठे लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि किसानों की देरी है कि ज़्यादा परीक्षा ना ले,
इनको ज्यादा तंग ना करे, इनको जल्दी मुआवजा देकर के सम्मानजनक तरीके से घर भेजे। धन्यवाद। जब भी अभी तक सरकार ने मुआवजा नहीं दिया किसानों का, और 80% का पास जो है ना पूरे प्रदेश में 40 विधानसभा क्षेत्रों में मिला के 80% का पास खराब हुई किसानों की, जिसका बड़ा भारी नुकसान हुआ किसान को। और उस भरपाई के लिए किसान है ना यहाँ जो खेड़ी चौपटा के हमारे 12 खाप और 5 ग्रामीण खाप के जो किसान बैठे हैं 45 टेम्परेचर में 3-3 पीढ़ियाँ 85-85 वर्ग के हमारे बुजुर्ग बैठे हैं वहाँ इतनी जबरदस्त गर्मी में। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को बात आती है ज़्यादातर उप मुख्यमंत्री जी की, हर आदमी यही कहता कि हमारे जिले सारे संबंध रखने वाला प्रदेश का उप मुख्यमंत्री किसानों की नहीं सुनता, मजदूरों की नहीं सुनता। और ये एक बात और बताना चाहता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हमारी नर्म निवेदन है कि इन किसानों को मत मारो गर्मी में, इनको मत परेशान करो, इनका हक बनता है, ये कोई भीख नहीं मांग रहे आप लोगों से, आपका दायित्व तो बनता है। आप हिसार के स्थायी निवासी हो, आप हिसार लोकसभा से MP रहे हो, आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो, हमारा कहने का भी अधिकार है आपको, क्योंकि हमारी से कम उम्र के व्यक्ति हो आप, लेकिन सम्मानित पद पर बैठे हो। इसलिए पूरे हमारे क्षेत्र से जिले हिसार से कोई बात उंगली उठती तो मुख्यमंत्री जी आपके खिलाफ उठती है। आप सोचते देवीलाल के वंशज हो, देवीलाल की नीतियों चलने का आपका फर्ज बनता है और आपका दायित्व बनता है कि जल्दी जल्दी किसानों को इनका हक है जो मुआवजे का किसान का वो वितरित कर दे, जिला प्रशासन को आदेश कर दे, जल्दी से जल्दी कर दे ताकि किसान अपने गर्मी से अपनी बच जाएं और अपने काम पर लग जाएं, अपने घर चले जाएं। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को। धन्यवाद।